हाउरूफिक्स जम्मू एंड कश्मीर बैंक एम पे ऐप नॉट वर्किंग एंड नॉट ओपनिंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है जम्मू एंड कश्मीर एम पे ऐप का ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके ऐप के अंदर पे भी इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ जाते हैं तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन वगैरह को यूज़ करते हैं तब उस ऐप में दोस्तों इस तरीके का कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ऑक्योर हो जाते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐप में कुछ बग्स आ जाते हैं या तो फिर आपका ऐप डेटा क्रश हो जाते हैं या फिर आपके ऐप डेटा जो है करप्ट हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ के वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपको सॉल्व करना होगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन होगा उसको फॉलो कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखिए, ठीक है। रिस्टार्ट करके देखिए, अगर रिस्टार्ट से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर रिस्टार्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो फिर दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है जम्मू एंड कश्मीर बैंक एम पे ऐप। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ऐप अपडेट करना है, ठीक है, ऐप अपडेट करना है। तो ऐप अपडेट करने से आपको लेटेस्ट फीचर वगैरह भी मिलेगा, साथ ही साथ मान लीजिए ऐप में बग का प्रॉब्लम है तो वो भी फिक्स हो जाएगा। अगर ऐप डेटा क्रश हो रहा है, ऐप डेटा करप्टेड हुआ है तो वो सारे प्रॉब्लम आप अपडेट से कर सकते हैं फिक्स। तो मेक श्योर दोस्तों आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन को अपडेट करें। अपडेट करने के बाद दोस्तों आप बैक कीजिए, बैक करने के बाद मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद आप एक बार चेक करके देखिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन दोस्तों किसी किसी का सॉल्व हो जाते हैं अपडेट के बाद, किसी किसी का नहीं हो पाते। तो बाई एनी चांस अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते तो फिर क्या करना है, तो दोस्तों आप जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन पे जाना है। दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन, मैनेज ऐप, इंस्टॉल ऐप, ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर, ऐप्स करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो उसमें जाए, उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है एम पे डिलाइट ऐप, जो कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऐप का ये एप्लीकेशन है। तो इसको कर देना है फोर स्टॉप, ओके। स्टोरेज एंड कैश पर जाइए, क्लियर स्टोरेज, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद बैक कीजिए और यहाँ पे परमिशंस अलाउ कीजिए, तो आपको सारे परमिशंस बैक टू बैक अलाउ करते जाना है, ठीक है। तो मेक श्योर आप सारे परमिशंस को अलाउ करें। परमिशंस अलाउ करने के बाद मोबाइल डेटा का एक्सेस वगैरह भी चेक कर लीजिए, मोबाइल डेटा एक्सेस यहाँ पर ऑन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को रिस्टार्ट करें एंड देन चेक करके देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। कई लोगों का जो प्रॉब्लम रहते हैं दोस्तों वो इतना में कंप्लीट तरीके से फिक्स हो भी जाते हैं, तो आपका भी फिक्स हो जाना चाहिए। अगर फिक्स हो जाता है प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन बाय एनी चांस अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते तो फिर क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा, ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप जाइए सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन कीजिए, सिस्टम पर जाइए, उसके बाद सिस्टम अपडेट कर दीजिए, तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे अप टू डेट होना चाहिए। अगर अपडेट वगैरह आया हुआ है मेक श्योर आप अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप को रीइंस्टॉल करना है। रीइंस्टॉल करते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो रीइंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए अगर कोई ऐप आपके सॉफ्टवेयर के वर्जन के साथ
अगर उसके कॉम्पिटेबल में मैच नहीं करते हैं, ठीक है, उसके कॉम्पिटेबल वर्जन के साथ मैच नहीं हो पाते तो ऐप जो है प्रॉब्लम होते हैं। कोई ऐप जो कि दोस्तों यहाँ पे आप यूज़ भी नहीं कर पाओगे अगर ऐसा कोई ऐप आपके मोबाइल पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट नहीं करते। तो इसी वजह से ये प्रोसेस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फॉलो कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।